मन में इस दर्शन की जोत जलाए हम चल पड़े एक पावन यात्रा पर। सर्वविदित है कि मॉरिशस हिंद महासागर का वो तारा है जो सदैव प्रकाशमान है। इस देश की सांस्कृतिक विरासत का उदाहरण विश्व भर में लिया जाता है। इस देश को उर्वर बनाया हमारे पूर्वजों ने, अपना खून पसीना बहाकर और रामायण गीता का पाठ पढ़कर संस्कृति को जीवित रखा। नमस्ते। भारत की पुण्य भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में अपनी लीला दिखाई। हिंद महासागर के पार मॉरिशस देश में एक छोटा सा गांव है, उत्तर प्रांत में, गोकुला। चलिए आज की हमारी इस यात्रा का प्रारंभ करते हैं गोकुला गांव में स्थित शिवालय से। यहाँ के निवासियों से जब हमने बात की तो पता चला कि मंदिर का इतिहास हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। चलिए इस बात की जानकारी प्राप्त करते हैं इसी गांव के निवासी से। गोकुला गांव में एक पहला मंदिर है जो 1867 में इनॉग्रेट हुआ। हमने के कुली, हमने के बाप दादा लोग, जो लड़ंदा पूर्व लोग, वो लोग मेहनत से आके यहाँ जो 1834 में मॉरिशस आ रहा, अंतवानेट गांव में बसल रहा। अंतवानेट से गोकुला 3 किलोमीटर देवेला। जब कुली के रूप से आ रहा यहाँ पर रामचरित्र मानस लपेट के एगो लाल कपड़ा से पवित्र रूप से यहाँ आने रहा जा, ताकि अपन नया पीढ़ी भय संस्कार बतलाए खातिर लोग आने रह। जब से हम शादी करके आ रहा है मिल सचो सन कैसे हम यहाँ हई मंदिर में आइला पूजा करे, तो हई मंदिर में बहुत शक्ति, और पहले मंदिर नहीं रह भिरी भिरी गाँव में तो ढेर लोग आवत रह पूजा करे। अभी ले जिकर शक्ति इच्छा से मन से वो आवेला यहाँ पूजा करे, और ये हमारे लड़का लोग के हम सिखैले हैं सबके मंदिर आई के पूजा करे। पूजा करला में बहुत लाभ है, हानि नहीं है, और ये जितना पूजा करब तो जिंदगी में उतना अच्छा है। भगवान के सेवा चाहेला करे के भक्ति भाव से, चाहेला जाने के कैसे पूजा करे के, और जैसे हम आएल पूजा करे, हमारे लड़का लोग आवेला पूजा करे, और उसने चाहेला सब कोई के आई के पूजा करे, नाती नाती बेटा पत्यो सब कोई हम आएल सब पूजा करे। बताया जाता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग मॉरिशस का पहला शिवलिंग है। जैसे देखबा जा मॉरिशस गांव में भर्ती मंदिर में जहाँ जहाँ बा एक ही शिवलिंग दिखाई देवेला जो जमीन में स्थापन करल गल है। गोकुला गांव रिविया झोंपा जिले में स्थित है। गांव का नाम भारत के कलकत्ता राज्य से 5 दिसंबर 1846 में आए गोकुला नाम के एक बंधवा मजदूर पर पड़ा। उन्हीं द्वारा दान दी गई जमीन पर पुराना गोकुला मंदिर का एक अंश स्थापित हुआ। सेवक सिंह परिवार ने भी अपनी उदारता दिखाई। उन्होंने मुख्य मंदिर के बगल वाली अपनी जमीन का दान किया, जहां मंदिर का विस्तार किया गया। साथ ही आज यहां एक भव्य भवन भी खड़ा है। कहते हैं जो व्यक्ति सुबह शाम मंदिर की साफ सफाई करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। गोकुला शिवालय में इसी पुण्य के अधिकारी से हम मिले। हम फजर के बुने राहिला मंदिर में हम यहाँ पर सेवा करे और साफ सफाई, और फजर के बुने सवेरे चलाइला पंडित जी के आगे सब संभालेला सब अति सेवा करके। कोई बुलेला कोई कोई लेते नहीं समय नहीं है तो हमने क्या इलाज हमने समय निकाल के और उसे पसीर के घाम पानी उनी आगे है सब ने किया हमने आइला सब उनके कटर यह आइला पूजा करे। जब तक हमारे में शक्ति बा ये काम हम करते रहब। ओम पत्रा
पुष्पम फलम तोयम नैवेद्यनम निवेदयामि नैवेद्यान्ति समर्पयामि। गोकुला गांव की निवासी प्रति रविवार प्रातः 7 बजे भगवान आशुतोष के दर्शन हेतु उपस्थित हो जाते हैं। पूरी निष्ठा के साथ पूजा में भाग लेते हैं। भगवान भोलेनाथ के दर्शनोपरांत अन्य देवी देवताओं की पूजा आराधना कर मन कृतार्थ हो जाता है। मैं बचपन से मेरे माता पिता के साथ मंदिर आती हूँ। जैसे बुजुर्ग कहते हैं कि मंदिर आने से, भगवान की पूजा करने से मन को शांति मिलती है और विद्या बढ़ती है, तो मैं माँ सरस्वती की विशेष पूजा करने आती हूँ। हमारी संस्कृति हमारा धरोहर है, जिसे नई पीढ़ी तक पहुँचानी है। संस्कृति के विषय में इनका क्या मत है, आइए सुनते हैं। हम मंदिर के बिल्कुल सामने रहते हैं और बचपन से अपने माता पिता के साथ रोज़ मंदिर आती हूँ। पूजा करना अब हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ पर हर त्यौहार, हर व्रत धूमधाम से मनाते हैं, जैसे कि दुर्गा पूजा और महाशिवरात्रि और विशेष रूप से मासिक शिवरात्रि। जब यहाँ साधु के आल है मंदिर कब्बू ने छोड़ी ला, हर रविवार को आया जा सवेरे पूजा करे परिवार साथ में। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम सत्यम। आचार्य मेवा शर्मा जी भक्ति को कुछ इस प्रकार परिभाषित कर रहे हैं। ब्रह्म देवता की जय। भगवान के प्रति प्रेम लगन, ये सबसे आवश्यक बात है। यद्यपि भगवान के प्रति प्रेम न हो तो भक्ति का जागरण नहीं होता है, और प्रेम के द्वारा ही भक्ति का जागरण होता है। और भक्ति जब जागते हैं तो हम भगवान की सेवा करते हैं। भगवान यद्यपि प्यासा हैं, भूखा हैं, तो हमारे इस प्रेम के भूखे हैं, और हम भगवान से लगन लगाएंगे तो हमारे जीवन की हर एक कठिनाई जो है हमारे जीवन से दूर होता ही चला जाएगा। ओम नारायण, नारायण लक्ष्मी नारायण, शांतकारम में बने मुख्य मंदिर के वर्षों बाद मंदिर का विस्तार किया गया, जहां अन्य मूर्तियों को स्थापित किया गया। श्री विष्णु तथा महालक्ष्मी की वंदना करने से लोक कल्याण का वरदान प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने मानव कल्याण हेतु कई बार मनुज शरीर धारण किया।
जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान विष्णु मानव रूप में अवतरित होते हैं। उनके सातवें अवतार में वे श्री रामचंद्र के रूप में आए और संसार को एक आदर्श रूप प्रदान किया। आज भी श्री राम जैसे आदर्श पुत्र की कामना की जाती है। राम जैसे बड़े भाई की इच्छा होती है। श्री राम पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहलाता है। मंदिर में शिरडी साई बाबा भी स्थापित है, जहां साई भक्त भजन कीर्तन करते हैं। हिंदू धर्म में नवग्रह पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। ग्रह शांति हेतु भक्त विशेष पूजा आराधना करते हैं। गोकुला मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति सन 2000 में स्थापित हुई है, लेकिन उससे पूर्व 1939 में माघी नाम के एक व्यक्ति ने एक अन्य मूर्ति का निर्माण किया था एक शिला में। अब वह इतनी भव्य मूर्ति है कि उसे इसी मंदिर में स्थापित करके रख दी गई है। गोकुला शिवालय के बाद भी हमारी यात्रा जारी रही बिचगाफ़े स्थित रामचंद्रेश्वर नाथ मंदिर की तरफ, लेकिन वहां पहुंचने से पहले हम दागुची स्थित काली माई के दर्शन के लिए 2 घड़ी तक रुक गए, जहां पर माँ अपनी पलकें बिछाए अपने बच्चों के इंतजार में हमेशा उपस्थित है।
पेचकाफ़े स्थित रामचंद्रेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन मात्र से ही मन प्रफुल्लित हो जाता है, किंतु यह विशाल मंदिर जिस प्रकार आज है वह सैकड़ों साल पहले इस तरह नहीं था। अपितु यहाँ के जो कर्मठ अधिकारी हैं उनके अथक प्रयास से ही मंदिर विशाल हो पाया। सैकड़ों साल पहले यहाँ पर एक बहुत ही छोटा मंदिर हुआ करता था। आइए सर्वप्रथम हमारी इस यात्रा के दौरान नंदी भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। रामचंद्रेश्वरनाथ मंदिर के इतिहास से जुड़ी बातें आइए सुनते हैं वही के बुजुर्ग निवासियों से तथा आचार्य राजेंद्र राय वहां स्थापित शिवलिंग की महिमा पर प्रकाश डाल रहे हैं। छोटा से हम ये मंदिर आएगा और भाई बड़ा मंदिर से पहले हो बगल में रहे वो छोटा मंदिर जो आवासी हमारे बड़ा आदमी संगे हमारे दादाजी संगे और तब जाके बाद में सोचलन जा बड़ा आदमी लोग कि है मंदिर के निर्माण करें और हई बगल में वो बैठ का रहल पहले जितना गांव के रही छोटा बड़ा सब लड़का ही आदमी यहाँ पर लेकर पढ़े हैं पर ही दूर दूर जितना गांव के बड़ा बाजीनाथ है पूंजी साग बेल गांव गोब ओस्तिया कपमाले आवे के आदमी सब ही यहाँ आवे और जो पुराना मंदिर है बगल में उ 100 साल के ज़्यादा हो गया बाबरा और यही जो मंदिर बा आगे बगल जो लगता है बड़का मंदिर ये 3 करोड़ 7 साल हो गया बा इनका और आर निर्माण हो रहा बगल में दुर्गा माँ बगल उधर इतना मूर्ति बा सब बाद में इनोवेशन हो रहा। जब से शादी होके आल हैं तब से हम शिवाला आयला जायला आगे तनी बैठब तो पानी लगे जंगल जंगल रहल ताकि हम कब सफा करब सब महिला सभा के आके तनी धोअब सब बहारब सब ऐसे नहीं रहल तो अभी बन गल बा जोली बन गल बा अभी सब कोई सब अच्छा हो गल बा पानी नहीं लगेला निमन से सब कोई बैठेला पूजा सुनेला। जैसा कि नाम से ही दिखाई पड़ रहा है कि रामचंद्रेश्वरनाथ शिवालय राम और शिव का जो संबंध है हमारे इस सृष्टि में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा गया है कि भगवान राम के गुरु शिव हैं और शिव जी से जब पूछा गया कि हे प्रभु आपके गुरु कौन हैं तो उन्होंने बोला कि मेरे तो गुरु राम ही हैं। तो इसमें गुरु कौन है शिष्य कौन है यही कठिनाई हो जाती है निर्णय लेने में। तो रामचंद्रेश्वरनाथ शिवालय में हम उपस्थित हैं और ये बड़ा ही प्राचीन शिवालय है। हमारे इस शिवालय की ये विशेषता है कि जब महाशिवरात्रि आती है तो एक दिन अगते ही पहले ही मध्यरात्रि से ही यहाँ शिवलिंग पर जल गिराना शुरू कर देते हैं और ये जो हमारा शिवलिंग है ये देख रहे हैं इसकी बड़ी ही एक विचित्रता है। इसमें एक ऐसी हमको शक्ति महसूस होती है कि मैंने देखा है महसूस किया है कि 20 मिनट तक अगर लगातार आप आंख बंद करके ओम नमः शिवाय का जप करें यहाँ पे त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम का जप करें तो ऐसा आपको एक आकर्षण आता है लगेगा कि ये शिवलिंग अपनी तरफ खींच रहा है और भगवान भोलेनाथ साक्षात प्रकट हो जाते हैं। Thank you.
मंदिर में विभिन्न देवी देवता स्थापित है, जिनकी पूजा आराधना से जीवन को सही दिशा प्राप्त होती है। सभा के सदस्यों ने हमें ये जानकारी दी कि वे गांव व जवानों के हित के लिए कार्यरत है। हमने के 2400 घंटे हमने के शिवाला खुला ला, हमने के शिवाला में लॉक नहीं है, जैसे कि जाने से बड़े लोग आवेला तो हमारे को मांग बा कि बड़े के साथ बच्चों भी आए और खासकर जवान भी, काहे के जब लोग जवान आए यहाँ पर तो वो लोग बाबा जी के कथा सुनिए जा, और कथा में हर एगो कथा में वो लोग को मिसाज मिली, ये मिसाज अपन जीवन में उतरियन जा तो वो लोग के रास्ता खुली, वो लोग के रास्ता खुली तो लोग प्रगति करी, लिखियन से पढ़ियन से समाज में अच्छा काम करियन से, तब जाके हमारे हमने के गांव, हमने के देश, हमने के परिवार अच्छा से प्रगति करी, क्योंकि कल जाके हमारे जो हमने के जवानों के हाथ में हमने के ये देश दे के भाव लेते। जब हम इधर कोई भी पूजा होते हैं तो हम मैक्सिमम करते हैं क्योंकि गांव वालों लोग आए, ऐसा नहीं अच्छा है कि मंदिर बड़ा होने से खाली खाली लगता है, सुना सुना लगता है। हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा एम्स है गांव वालों को इकट्ठा करने के लिए, ताकि हमारा रीति रिवाज जीवित रहे और हमारे कल्चर फूलों फले। और कुछ काम करना है, कुछ और नया नया मूर्तियाँ डालने हैं, क्योंकि ये आंगन जगमग रहे। और हम ये भी चाहते हैं जितना समय के अनुकूल से जितने कम्युनिकेशन है, मंदिर का कम्युनिकेशन हमारे 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 वेबसाइट है, हम फेसबुक में है, हम चाहते हैं लोग हिंदुओं परिवार लोग इस कम्युनिकेशन से जुड़े हुए रहें, क्योंकि ताकि उन लोगों को पता चले घर से क्या हो रहा है हमारे मंदिर में, क्या पूजा विधि चल रहा है। देश के लगभग सभी हिंदू परिवार के प्रांगण में तुलसी का पौधा पाया जाता है। इसके औषधीय गुण भी हैं और धार्मिक मान्यता भी। जब सुबह हम माँ तुलसी को जल अर्पित करते हैं तो मन में यही कामना होती है कि हमारे पूरे परिवार और पूरे देश में शांति का साम्राज्य बना रहे। इसी के साथ आज की हमारी यह यात्रा संपन्न होती है। हमें अनुमति दीजिए अगली यात्रा तक। नमस्ते।